नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं जो यहां पहुंचा हूं उसमें यहां के स्थानीय नेता जो है योगेश सोलंकी जी और उनकी टीम द्वारा हमें कॉल करके ये बताया गया कि किस तरह से लगातार नरोली में जो सड़कों पर जो आवारा बेजुबान पशु जो है वो किस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं और उसके बाद जो है सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से टकराने के बाद यानी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जानवरों का हाल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय विस्तार में यहाँ के नेता बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं उन्हीं के गाय हैं। यहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं वो लोग अपनी गायों को किस तरह से सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मोड़ी फरिया जो मुख्य मार्ग है वो उस जगह पर हूँ मैं जहाँ पर जानने चाहेंगे किस तरह से इस विस्तार में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। योगेश जी क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर मैं ये कहूँगा क्योंकि स्थानीय विस्तार में गाय जो है वो सभी किसी ना किसी के घरों में है और इस तरह से जानवरों को घर सड़कों पर छोड़ देना क्या वाजिब है जी? नमस्कार, जय गाय माता जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नरोली ग्राम पंचायतों में जो स्थानीय लोगों के पास जो गाय है वो गायों को वो लोग पूरा दिन छोड़ देते हैं, रात को भी छोड़ देते, सिर्फ दूध निकालने के लिए लेके जाते हैं, दूध निकालने के बाद वापस छोड़ देते हैं और गाय रास्ते के ऊपर बैठे रहती है और साधनों का आवाज़ ज़्यादा है यहाँ पे नरोली में तो उनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और हर तीसरे दिन एक गाय मर जाती है। हर नरोली में सबसे ज्यादा गायों का मृत्यु हो रही है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नरोली ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी मालिक के गाय है उन सभी के ऊपर मैं एसपी साहब से रजूआत करना चाहता हूँ कि नरोली गांव पंचायत में एक ठोस कदम उठाया जाए। पूरी पंचायत की टीम साथ में है आपके और टोटल मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मालिक है सभी के ऊपर एक बार लीगली एक्शन किया जाए और सबसे लिखित में लिया जाए कि उनकी गाय अगर रास्ते पर रहेगी तो उसकी जामीन ना हो, एक हफ्ते तक उनके ऊपर FIR हो और एक हफ्ते तक जामीन ना हो। और अभी जो गाय एक एक्सीडेंट हुई थी यहाँ पे, एक गाय यहाँ पे आप देख सकते हैं मरी हुई है, एक गाय एक्सीडेंट हुआ था उसकी कमर टूट गई है जी। तो जिसकी गाय थी उसके जो जिंदा गाय है जिसकी वो मालिक आया यहाँ पे और गाय देख के चला गया, बोल के गया मेरी गाय है तो उसको पूछा तो गाय क्यों छोड़ देता है, वो बोलता है गाय मेरा छुटाई रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर लीगली कार्यवाही हो, FIR हो। हम पंचायत से आज हमारे काबिल PSI साहब सूरज साहब से हमने बातचीत कर ली, उन्होंने टीम भी भेज दिया था यहाँ पे, जो दूध मालिक है जो गाय का मालिक था उनसे भी उन्होंने संपर्क किया है और उनको शायद लेके गए हैं। योगेश जी अगर बात किया जाए पिछले दिनों में ये भी बातें सामने आई थी कि हमारे जो प्रशासक महोदय हैं प्रफुल्ल पटेल जी उन्होंने गौ तस्करी और उन चीजों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे थे और कुछ बीते दिनों इस पर कुछ बातें भी हुई थी जो गौमांस के ऊपर था, तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग उनसे भी इस चीज की रिजवात करने वाले हैं नरोली विस्तार के? जी हाँ, हम प्रफुल्ल भाई से मिलेंगे और प्रफुल्ल भाई से एक गाय माता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में हम लीगली पूरी टीम के साथ मिलने वाले हैं, हमारी आदित्य NGO और पंचायत सरपंच के साथ हम जाने वाले हैं। और आज की मैं बात करूँ तो हमने सेलवास में डॉक्टर सुनील है जो एनिमल्स है जी, डॉक्टर है उनके, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन लिया हमारा और तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस भेज दिया। साथ ही मैंने हमारे विस्तार में जो हमारे डॉक्टर विजय परमार है उनको मैंने फ़ोन किया, एक ही फ़ोन पर उन्होंने घर से तुरंत ही आ गए और यहाँ पे आके गाय को तुरंत ट्रीटमेंट दी, उनको गाय को उन्होंने इंजेक्शन दिया और एम्बुलेंस में भरने के लिए सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे इंसान है डॉक्टर विजय परमार जिन्होंने गाय माता के लिए तुरंत आ गए जी। और मैं चाहता हूँ कि नरोली गांव में अच्छी सुविधा मिले, गायों के लिए अच्छी सुविधा मिले, गौशाला मिले। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ नरोली और खरपड़ा ग्राम पंचायत के पास एक बड़ा जगह है, गौचरण जमीन है रिलायंस के बाजू में, रिलायंस दोमर गेट के बाजू में। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे गौशाला की परमिशन मिले, नरोली और खरपड़ा ग्राम पंचायत के विस्तार में हमें गौचरण गौ माता के गौशाला बनाने की परमिशन मिले। खरपड़ा ग्राम पंचायत भी सदर है और नरोली ग्राम पंचायत भी सदर है, ये दोनों मिलके एक गौशाला बनाए और दोनों मिलके
उनके देख रेख करें जी। क्या आपके विस्तार में कुल मिला के कितना, आप क्या हैं और क्या करते हैं आप? मैं वेटनरी स्टॉकमैन हूँ यहाँ पर जी, और मेरा यहाँ काम है वो जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना और ये करना है। तो यहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार टोटल गाई है, इसमें आवारा भी है और मालिक भी है, लेकिन ये लोग को बताने के बाद भी ये क्या सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं, शाम को आए दिन फिर इस तरह से सड़क दुर्घटना हो रही है, होती रहती है। लेके गए एक्सीडेंट, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और पूरा लग गया है, पैर टूट गया है, उसको अभी गौशाला के एम्बुलेंस में लेके लिया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि भाणा भाई आहिर जो मोरीफलिया में रहते हैं उनकी गाय ऐसा आइडेंटिफाई हुआ, और ये गाय का अभी तक पता नहीं चल पाया। हेलो, ये जो अभी गाय मर गई है उसका पता नहीं चल रहा है अभी, वो पता करके हम आगे से उसको क्या करना है वो आगे की कार्यवाही करना। ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सड़कों पर इस तरह से यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में जो है मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को। देख सकते हैं आप, जो मैं खास तौर पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, देखिए ये जो गाय यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है उसमें मैं चाहूंगा आप यहाँ पर जूम करके दिखाएं, देखिए किस तरह से उनके पैरों में चोटें आई है, और साथ ही साथ आपने जब फुटेज देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से जो पहले भी एक एक्सीडेंट केस में एक और गाय को अभी अभी अस्पताल जो भेजा गया है उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, कमर की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, और उसे स्थानीय नेता जो है योगेश सोलंकी जी, उनके सरपंच जो है इस विस्तार के धर्मेश जी, जूली सोलंकी जी, ये सभी लोग मिलकर जो है उन्हें अस्पताल जो है भिजवा दिया गया है। हालांकि और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो पुलिस एसपी जी उनके पास भी जो है वो लिखित तौर पर इसकी शिकायत करने वाले हैं, और जरूरत पड़ने पर जो है स्थानीय यहाँ के प्रशासक जो है उन्हें भी इस चीज की जानकारी जो है मुहैया कराने वाले। कैमरा पर्सन आशीष के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, नरोली।